वुमेन के लिए आते हैं। अरे बेताल, बहुत पतले हो गए हो। क्या नर्क में कुछ स्वादिष्ट भोजन नहीं मिलता? अरे मैं पतला नहीं, फिट हूँ। रोज सुबह जिम जाता हूँ। अच्छा, तो ये बात है। हाँ, यही बात है। विक्रम, बहुत लंबा रास्ता है, तो चलो मैं तुम्हें एक सामान्य परिवार की कहानी सुनाता हूँ। परंतु शर्त ये है कि तुम कुछ नहीं बोलोगे, वरना मैं चला जाऊँगा। तो लो सुनो। एक मध्यम वर्गीय परिवार में एक वृद्ध, उसके बेटे, बहू, एक पोता व एक पोती रहते हैं। देखो, अखबार में तुम्हारे विद्यालय की खबर आई है कि तुम्हारे विद्यालय में हर दिवाली मनाने के लिए छात्रों को प्रोत्साहित किया गया और इसके परिणाम भी सकारात्मक रहे। हाँ दादाजी, हमारे विद्यालय में न केवल हर दिवाली बल्कि स्नेह सूत्र, तिलक बोली व वातावरण अच्छा बेटा, यह तो बहुत ही अच्छे संस्कार है जो डीएवी विद्यालय बालकों को प्रदान कर रहा है। जी दादाजी। ब्रेक अखबार पढ़ते हुए मैंने, अरे मेरा चश्मा ही टूट गया। बेटा, पिताजी बोलिए क्या बात है। बेटा मेरा चश्मा टूट गया है, नया बनवा दो। पिताजी जब सुना सुना दे जब सुना सुना दे कोई रहे ना जब अपना जब सुना।
लावण्या हिंदी याद करते हुए लकड़ियां काट के क्या करता था। लकड़हारा लकड़ियां काट कर उन्हें शहर में ले जाकर बेचता था। ऋषि सेब खाते हुए आता है और अपनी बहन की पुस्तक छीन लेता है। मेरी किताब सच है कि भगवान है मगर
ये सब अवगुण उनके भीतर से गायब हो गए तो वे भी गायब हो गए।